हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि अपन मिनी क्यूब के हेल्प से सिंगल नोड क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर कैसे सेटअप करें। ठीक है, सो ये जो अपन सिंगल नोड क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर सेटअप करेंगे, इसको प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता है। इसको या तो डेवलपर्स यूज़ करते हैं डेवलपमेंट में, या फिर इसका यूज़ होता है लर्निंग पर्पज़ के लिए। जैसे अभी अपन क्यूबरनेटिक्स सीखेंगे तो अपने पास हो सकता है, अपने पास इतना रिसोर्स ही ना हो कि अपन 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सके या 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सके और पूरा का पूरा एक क्लस्टर सेटअप करें, राइट? तो सबसे अच्छा वे क्या है, एक छोटा सा वीएम क्रिएट करो और उस वीएम के अंदर आपका क्यूबरनेटिक्स सिंगल नोड क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर सेटअप कर लो, राइट? चलो, तो वो देखते हैं कि ओपन कैसे करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो मशीन है, जो आपका आई मीन मेरे पास जो मशीन है वो है विंडो 8, राइट? यस। एंड यहाँ पे आप देखो, मेरे पास इस मशीन के अंदर वर्चुअल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो यदि आपके मशीन में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल नहीं हो तो सबसे पहले आपको वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये जो इंस्टॉल कैसे करते हैं ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ये आप वर्चुअल बॉक्स के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हैं, या फिर जस्ट सिंपली आपको एक बाइनरी डाउनलोड करनी है एंड नेक्स्ट 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 एंड फिनिश, राइट? बस केवल यही करना है। चलो, अभी देखते हैं कि मिनी क्यूब कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहली स्टेप आपकी रहेगी कि आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है। ठीक है, आई मीन आप अभी इन वर्चुअल मशीन्स को मत देखिए कि ये इतने सारे वर्चुअल मशीन है, ये आपके किसी भी काम की नहीं है। बस केवल देखो, नाम देख लो केवल, राइट? यहाँ पे अभी एक भी मिनी क्यूब के नाम से एक भी वर्चुअल मशीन नहीं है। ठीक है, चलो अभी तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ एंड वहाँ पे गूगल में सर्च करते हैं मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन एंड जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। एंड यहाँ पे जाके आपको देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, आपको सिस इन्फो कमांड चलानी है। ओके, और ये जो चार चीज़ें, इनका आउटपुट आपको ऐसा होना चाहिए, यस 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 और यस, राइट? तो सबसे पहले चलते हैं, चलो सीएमडी में एंड टाइप सिस्टम इन्फो, राइट? एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? लास्ट के चार वीएम मॉनिटर मोड एक्सटेंशन ये सब, राइट? तो ये अपने यस हैं सारे के सारे। ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद में अपने को मिनी क्यूब जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा विंडोज के लिए। सो यहाँ पे अब जाओ, एंड उसके बाद में आपको क्लिक करने का है यहाँ पे मिनी क्यूब विंडोज AMD64.exe। चलो मैं करता हूँ और इसको डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, राइट? और एक चीज और डाउनलोड करनी है, वो करनी है अपने को क्यूब CTL, राइट? सो क्यूब CTL इसका ये लिंक है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, इंस्टॉल एंड सेटअप क्यूब CTL। एंड ये रहा वो URL जहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, Ctrl+C Ctrl+T एंड Ctrl+V, राइट? तो यहाँ पे ये भी डाउनलोड लग गया है। डाउनलोड्स में ये दोनों डाउनलोड हो गए, मिनी क्यूब एंड क्यूब CTL, राइट? कंट्रोल, मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ या कट करता हूँ एंड सी ड्राइव में आके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर KAT नाम से। ओके, सो मैं दूसरा क्यूबरनेटिक्स, और यहाँ पे मैं उन दोनों बाइनरीज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड अभी मैं ये कॉपी करता हूँ ये URL, ओके? एंड पाथ वेरिएबल सेट कर देते हैं अपन इसका प्रॉपर्टीज। सो देखो, यदि अभी मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँगा मिनी क्यूब, तो कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, राइट? चलो अभी मैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड यहाँ पे जो यूज़र
वेरिएबल फॉर यूज़र, तो मेरा जो यूज़र है उसका नाम भी यूज़र ही है, इसलिए ऐसा आ रहा है। सो यहाँ पे मैं वो पाथ सेट कर रहा हूँ जो अपन ने कॉपी किया था, ठीक है। एंड ओके 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 एंड क्लोज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता हूँ और अभी मैं कमांड चलाता हूँ मिनी क्यूब। ओके सो मैं इसको वापस रिस्टार्ट करता हूँ एंड अभी कमांड चलाता हूँ। तो अपन ने क्या किया था, अपन ने इसमें जब ये डाला था ना मिनी क्यूब, तो इसका अपन ने रिनेम नहीं किया, राइट। तो इसको अपने को रिनेम करने का है मिनी क्यूब नेम से, इसलिए ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अभी मैं वापस जाता हूँ विंडोज़ आर सी एम डी एंड मिनी क्यूब, राइट। सो यहाँ पे वो उसको अभी मिनी क्यूब कमांड मिल रही है। चलो ये हो गया। अभी अभी देखो एक चीज़ देखो, बैकग्राउंड में ये वर्चुअल बॉक्स है और यहाँ पे मैं सी एम डी में चलाता हूँ मिनी क्यूब स्टार्ट कमांड। ओके स्टार्ट। सो अभी ये क्या कर रहा है, आपका जो वर्चुअल बॉक्स है ना उसके अंदर एक वीएम क्रिएट करेगा और उस वीएम के अंदर आपका क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर जो है वो ये सेटअप कर देगा। तो इसको होने देते हैं। ये कितना टाइम लेगी ये चीज़ आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, राइट, क्रिएटिंग ए वर्चुअल बॉक्स वीएम, एंड जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा कि वो 2 CPU लेगा, 2000 MB रैम लेगा और डिस्क लेगा वो 20 GB, राइट। एंड सी पीछे वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक मिनी क्यूब नाम से दिख गया एंड अभी वो स्टार्ट हो गया, राइट। ठीक है दोस्तों, तो अपना क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर सेटअप हो चुका है, राइट। चलो मैं आपको कुछ कमांड दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको ये कमांड सभी समझ में ना आए, डोंट वरी, बट जैसे जैसे अपन आगे देखेंगे तो आपको ये कमांड समझ में आ जाएगी। अभी केवल मैं ये कमांड इसलिए चला के बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मेरा जो जो क्लस्टर है वो अप एंड रन आ चुका है, ठीक है। तो क्यूब सी टी एल, ये क्यूब सी टी एल क्या है, तो क्यूब सी टी एल जो है ये एक क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर के लिए क्लाइंट है। सपोज आपको एक कोई सा भी रिसोर्स क्रिएट करना है एक क्लस्टर के अंदर, सपोज आपको एक पोड क्रिएट करना है, तो आपको क्या है, पोड क्रिएट करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अब जो क्यूबरनेटिक्स जो क्लस्टर है ना उसको आप API हिट करके बोल सकते हो, राइट। सपोज आपने बोला कि आपको एक पोड क्रिएट करके दे एंड उस पोड के अंदर एंजिनिक्स का इमेज रहेगा, राइट। आपने तो बोल दिया बट उस क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर को तो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, ठीक है। या तो आप क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर के API जो है उसको हिट करो, राइट। अब API हिट करने के लिए या तो आप कर्ल से हिट करना पड़ेगा एंड आपको JSON में डाटा सेंड करना पड़ेगा, या फिर आप क्यूब कंट्रोल जो कमांड है आप इसको यूज़ कर सकते हो और इस कमांड के थ्रू आप क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर को मॉनिटर, आई मीन नॉट ओनली मॉनिटर, आप वहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। आप पोड क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या जितने भी ऑपरेशन है वो सारे के सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो क्यूब सी टी एल कमांड के थ्रू। तो अपन क्या ऑपरेशन करने वाले हैं कि अपन लिस्ट करने वाले हैं कि कितने पोड अभी जो अपना ये क्लस्टर आया है इस पोड रनिंग है, ठीक है। तो क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स, ये कमांड है, ठीक है। तो अभी तक कोई भी पॉड अपन ने बनाया ही नहीं है, राइट। तो जो डिफॉल्ट नेम स्पेस है उसके अंदर कोई भी पॉड नहीं है, ठीक है। चलो अभी एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। मैंने आपको बताया कि वर्चुअल बॉक्स जो है ना, इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर मिनी क्यूब नाम की VM बनी है। कल आप मेरे को बोलोगे कि यार ये जो मिनी क्यूब VM बनी है ना, इस VM का क्या IP है, मुझे ये कैसे पता चलेगा, राइट। तो उसके लिए सिंपली कमांड है मिनी क्यूब IP, राइट। तो ये जो है 192.168.99.100 जो है वो आपका जो मिनी क्यूब VM बनी है उसका IP है।
अभी आप मुझे वापस बोलोगे कि यार गौरव जो ये मिनी क्यूब का जो वीएम बना है ना, मुझे इस वीएम को एसएसएच करने का है, राइट? तो वो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए जो सिंपली कमांड है वो है मिनी क्यूब एसएसएच, राइट? तो आप इस वीएम के अंदर चले गए। नाउ सी आई एफ कॉन्फिग, राइट? चलो, बट ये जो कमांड है मिनी क्यूब एसएसएच, ये कई जगह पे अच्छे से काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल अभी देखो, यदि मैं क्लियर कमांड चला रहा हूँ ना, तो आप देखो नीचे पूरा, मतलब मेरे को ऐसा आउटपुट आ रहा है जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब कि यार मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसा आउटपुट, ये गंदा सा, राइट? सी मैंने क्लियर कमांड डाला एंड एच जे ये सब आ रहा है, राइट? तो अब आप इस वीएम को एसएसएच कर सकते हो थ्रू द पुट्टी, राइट? सो पुट्टी मेरे इस मशीन में इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। पुट्टी, तो पुट्टी क्या है? पुट्टी एक एसएसएच क्लाइंट है, ओके? सो इसके थ्रू आप मतलब एसएसएच कर सकते हो लिनक्स मशीन को, या फिर जहाँ नॉट ओनली लिनक्स, कोई सा भी सर्वर जहाँ पे एसएसएच इंस्टॉल है, ओके? तो आप उसको एसएसएच कर सकते हो यहाँ से। सो एसएसएच 64 बिट एंड डाउनलोड। चलो ये मैंने एसएसएच किया रन। अभी ये मेरे से होस्ट का आईपी पूछ रहा है अपना कितना था, 192.168.99.100, राइट? एंटर, एंड आपको ये करना है यस। एंड अभी ये पूछ रहा है लॉगिन एस, तो यूजर नेम क्या है, राइट? एंड पासवर्ड क्या है? सो मिनी क्यूब जो वीएम रहेगा उसका डिफॉल्ट यूजर नेम रहेगा वो रहेगा डॉकर, एंड जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका टीसी यूजर, ठीक है? सो ये यूजर नेम और पासवर्ड और ये मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन का जो भी, मतलब जो भी मैंने गाइड फॉलो किया है, वो सारा का सारा यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे अभी सारा का सारा कमांड जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, राइट? तो ऐसे आप मिनी क्यूब जो सिंगल नोड क्लस्टर है वो आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है? और यूज़ भी कर सकते हो। चलो एक चीज़ हो गई, अभी मैं इस जगह से तो बाहर निकलता हूँ, ओके? एंड इधर से भी बाहर निकलता हूँ, कमांड लाइन पे कंट्रोल डी किया मैंने, ठीक है? अभी आप मेरे को बोलोगे कि जब भी क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर सेटअप करते हैं ना अपन, तो यू नो जैसे गूगल पे सेटअप किया या AWS पे किया, तो आपको पूरा एक बहुत शानदार वाला डैशबोर्ड मिलता है। आप बोलोगे कि यार मुझे भी ना मिनी क्यूब पे वो डैशबोर्ड चाहिए, राइट? तो वो कैसे मिलेगा आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए कमांड है मिनी क्यूब DASHBOAID डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, राइट? नाउ राइट, तो आप देख सकते हो आपके सामने आप डैशबोर्ड पूरा एक्सेस हो चुका है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉड्स हैं वो अभी क्रिएटेड नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो अपन क्या करेंगे, अपन ना कमांड के थ्रू पॉड्स क्रिएट करेंगे, एंड डैशबोर्ड पे आके देखेंगे कि अपना पॉड क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, राइट? यूआई में थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चीज़ें आ रही है, राइट? तो एनीवे, एक चीज़ और जो आई मीन मेरे को अभी का तो रिसेंटली नहीं पता, बट शुरू में जब क्यूबरनेटिक डैशबोर्ड जब आया था, तो इसके अंदर बहुत सारी वनरेबिलिटीज थी। सो हैकर्स क्या करते थे, मतलब क्यूबरनेटिक्स डैशबोर्ड के थ्रू हैक कर लेते थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। तो यदि आप इसके बारे में क्यूबरनेटिक्स डैशबोर्ड वनरेबिलिटी सर्च करेंगे, तो आपको अलॉट ऑफ वनरेबिलिटीज वहाँ पे मिल जाएगी, राइट? सो इस चीज़ को भी प्रोडक्शन में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए अपन जो भी खेल खेलेंगे ना पूरा कमांड लाइन पे खेलेंगे। यहाँ पे केवल ऐसा है कि अपन बस देखेंगे कि हाँ भाई अपने रिसोर्सेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो दोस्ततों ये जो है ये सिंगल नोड क्यूबरनेटिक्स क्लस्टर है। कल आप ऐसा बोलोगे कि नहीं मुझे सिंगल नोड नहीं चाहिए, मुझे एक मास्टर चाहिए, दो तीन वर्कर चाहिए, या दो मास्टर चाहिए, पाँच छः वर्कर चाहिए, राइट? तो वो चीज़ कैसे अचीव करेंगे, राइट? तो अगले वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, अपन ऐसा ही कुछ सेटअप करने वाले हैं जिसके अंदर एक मास्टर रहेगा एंड दो वर्कर रहेंगे, राइट? तो ये कैसे अचीव करता है करना है, तो ये अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।